तुर्किश खातून से छेड़खानी महंगी पड़ गई, जहां देखी चिट्टी चमड़ी वहां फिसल गए, जब चला कानून का डंडा फिर माँ बहन याद आ गई। नियत नहीं थी और ना मेरे दिल में कुछ ऐसा वैसा था, मैं इनके पीछे पीछे ऐसी टाइम पास करता चल रहा था। जी हाँ, ये बात है शहर कराची की, जहाँ एक मनचला नौजवान अपने मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश में अपना हाल तबाह कर बैठा। ये नौजवान शायद मीडिया पर चलने वाली उन खबरों से मुतासिर था जो किसी पाकिस्तानी की फॉरनर से सोशल मीडिया पर दोस्ती और फिर शादी से मुतल्लिक होती हैं। और इसने जब बराह रास्त गोरी देखी तो सोचा कि क्यों ना आज डायरेक्ट छक्का मारा जाए, मगर बेचारा क्रीज पर आने से पहले ही आउट हो गया। यूं तो हम अपने आप को महज़ब कहते नहीं थकते, लेकिन क्या करें जी, दिल तो बच्चा है जी। जी हाँ, कराची की एम्प्रेस मार्केट में जब एक तुर्क खातून वीलॉग बनाने में मशगूल थी तो ये साहब उनका पीछा करने में मशगूल थे। वीडियो मंजरे आम पे आई तो पुलिस भी हरकत में आ गई और पता करते करते सीधा पहुंची इस सड़क छाप के पास। और फिर क्या, तुर्किश खातून को हिरासा करने वाला ये सड़क छाप हुआ गिरफ्तार। मेरा नाम शोएब है, मेरे वालिद का नाम शकील है, मैं खुद आजाद कॉलोनी में रहता हूँ। ये मैडम डॉक्टर दाऊद पोता रोड पे से जा रही थी कैमरा लेके वॉच करती हुई, तो मुझे नहीं पता, हैरेसमेंट समझ रही है मुझे। मेरी कोई गलत नीयत नहीं थी और ना मेरे दिल में कुछ ऐसा वैसा था, मैं इनके पीछे पीछे ऐसी टाइम पास करता चल रहा था, तो मुझे शर्मिंदगी हुई है इस चीज़ से, इनको बुरा लगा है। मैं इनसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, इनके पाँव पकड़ के माफ़ी चाहता हूँ। मेरी अपनी दो बहनें हैं, मैं खुद बहने वाला हूँ, ये मेरी बहनों की जगह में है, इनसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। तुर्किश खातून अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और ये मुसलसल उसे हरासा कर रहा था। सोशल मीडिया पर रद्द अमल सामने आने पर प्रीडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को शनाख्त करके खुदादाद कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। बस फिर क्या था, इश्क का बुखार ऐसा उतरा कि महबूबा में माँ बहन नजर आना शुरू हो गई। मैं इनसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, उनके पाँव पकड़ के माफी चाहता हूँ। मेरी अपनी दो बहनें हैं, मैं खुद बहने वाला हूँ, मेरी बहनों की जगह में। मुल्ज़िम शुएब का कहना है कि मुझे अपने अमल पर बेहद शर्मिंदगी है, हाथ जोड़कर खातून से माफ़ी मांगता हूँ, जो कुछ हुआ वो गलत फहमी के सिवा कुछ नहीं, मेरी कोई गलत नीयत नहीं थी लेकिन अनजाने में गलती हुई जिस पर शर्मिंदा। जबकि तुर्किश खातून ने पुलिस के बरवक्त एक्शन को सराहा और अपने आप को पाकिस्तान में महफूज करार दिया है।